स्टूडेंट्स, अवर लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 1.6 डिपेंडेंट है. सो इतना सब कुछ सेट के बारे में हमें पढ़ लिया, तो इसका यूजेस कहाँ पे होता है? सो इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो पूरा यूजेस जो है सेट्स का, एप्लीकेशन यूजिंग फार्मूला एंड यूजिंग वेन डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले यूजिंग फार्मूला. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर इंटरसेक्शन फाई है तो. अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं है, राइट, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर आपकी इवेंट डिसजॉइंट सेट है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9, जिसका इंटरसेक्शन 5 है, तो ये दोनों इवेंट को मैं डिसजॉइंट सेट कह सकता हूँ. सो हियर नंबर ऑफ ए, ए के अंदर कितने मेंबर है? 4. नंबर ऑफ बी, बी के अंदर कितने मेंबर है? 5. सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9. सो इसके ऊपर से आपकी फॉर्मूला हो गई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9. बट इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, कुछ कॉमन निकल रहा है, इंटरसेक्शन फाइव नहीं है, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर आप वेन डायग्राम का यूज़ कर रहे हो तो ए इंटरसेक्शन बी एकदम बीच में आएगा, जो मैंने एरो करके दिखाया है आपको. बाकी जो बचा ए माइनस बी, ए के साइड और बी के साइड बी माइनस ए. सो ए माइनस बी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो मैंने रेड में आपकी फार्मूला बनाई हुई है वो 110% उसका यूज होगा. बट वो फार्मूला कहाँ से आई, जिसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो उसका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी. सो हियर ए माइनस बी इज नंबर ऑफ ए, बी माइनस ए नंबर ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी का आप कर दोगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी. आप ऐड एंड सब्ट्रैक करोगे, राइट. सो यहाँ से आपका फर्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए माइनस बी इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटू प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स योर नंबर ऑफ बी पूरा आ जाएगा आपका नंबर ऑफ बी, जो मैंने ग्रीन करके वेन डायग्राम में दिखाया है. और बाकी बचा माइनस ए इंटरसेक्शन बी को आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका ए यूनियन बी मिलेगा. सो यहाँ से आपकी फार्मूला प्रूव हो गई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये बात हुई दो इवेंट के बारे में. अगर तीन इवेंट होगी तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यानी कि तीनों का नंबर का एडिशन माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. नीचे आपको पूरा प्रूफ दिया हुआ है. प्रूफ अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम के अंदर प्रूफ नहीं आने वाला. बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर तीन इवेंट होती है और अगर तीनों का यूनियन फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. चलो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं कि इन अ विलेज 150 पीपल सब्सक्राइब टू इंडियन लैंग्वेज डेली, 75 टू इंग्लिश एंड 45 टू लैंग्वेज एज वेल इंग्लिश, यानी कि दोनों. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब इंग्लिश और लैंग्वेज डेली. सो और यानी कि यूनियन फाइंड करना. इन सेट थियरी द वर्ड एंड सजेस्ट द इंटरसेक्शन और सजेस्ट द यूनियन. सो हियर वी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब टू लैंग्वेज डेली, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब टू इंग्लिश डेली, वी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब टू इंग्लिश
एंड लैंग्वेज डेली, यानी कि एंड होगा तो इंटरसेक्शन और होगा तो यूनियन, सेट ऑफ पीपल वो सब्सक्राइब टू इंग्लिश और लैंग्वेज डेली. सो नंबर ऑफ वी इज इक्वल टू 150 लैंग्वेज डेली, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 75 और इंटरसेक्शन यानी कि एंड बोथ दिया हुआ यानी कि इंटरसेक्शन 45. जो हम हमारी फॉर्मूला में पुट करेंगे कि नंबर ऑफ ए वी यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ वी प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इजीली आपको मिल जाएगा. नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड एग्जांपल. ऑन अ पर्टिकुलर डे 300 स्टूडेंट विजिट कैफेटेरिया, 110 स्टूडेंट गो देयर फॉर लंच, 225 स्टूडेंट हैव स्नैक्स एंड 50 स्टूडेंट्स हैव बोथ लंच एंड स्नैक्स. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड फर्स्ट लंच बट नॉट स्नैक्स, सेकेंड स्नैक्स बट नॉट लंच एंड थर्ड लंच और स्नैक्स. सो हियर आपको 300 टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं. सो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 300. अब आपको यहाँ से आपको नेम देना है लंच और स्नैक्स को, राइट. हियर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 300, लंच आपको दिया हुआ है 110. सो लंच को मैंने नाम दे दिया ए सेट, सो ए सेट के अंदर है 110. अब मैंने स्नैक्स को नाम दे दिया बी सेट, नाउ बी सेट्स के अंदर है टोटल 225 स्टूडेंट्स, बिकॉज 225 स्टूडेंट्स हैव स्नैक्स, 50 स्टूडेंट्स हैव बोथ लंच एंड स्नैक्स यानी कि इंटरसेक्शन, बोथ और एंड यानी कि इंटरसेक्शन. सो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 50, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड लंच बट नॉट स्नैक्स, लंच बट नॉट स्नैक्स यानी कि नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ग्रीन वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है. सो आप वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, वरना आपको फार्मूला याद रखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हियर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 110 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50. सो 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60. सो आवर फर्स्ट आंसर इज 60. नाउ सेकेंड स्नैक्स बट नॉट लंच, यानी कि नंबर ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस ए. सो नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 225 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50. सो सेकेंड आंसर इज 175 हू हैव स्नैक्स बट नॉट लंच. नाउ थर्ड वन, लंच और स्नैक्स. सो लंच और स्नैक्स और यानी कि यूनियन, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हियर नंबर ऑफ ए यानी कि लंच 110, स्नैक्स 225 और बोथ 50.